बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मिडनाइट स्काई। ये कहानी है सन 2049 की, यानी कि आज के वक्त से कई सालों आगे की कहानी, जहां पर दिखाया जाता है कि धरती अब रहने लायक नहीं है। धरती से सभी इंसान जा चुके हैं और अब जो लोग धरती पर बचे हैं ये सब के सब वैज्ञानिक हैं, जो धरती की कंडीशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन सब ने भी हार मान ली है। इसीलिए सब के सब अब धरती को छोड़कर जा रहे हैं, सब के सब धरती को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान जिसका नाम ऑगस्टिन है वो यहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस अर्थ पर ही लेना चाहता है। ये एक वैज्ञानिक है जिसे कैंसर की बीमारी है। अगर ऑगस्टिन धरती से चला भी जाए तब भी वो अपने आप को बचा नहीं सकता। सबके जाने के बाद वो अकेला रह जाता है और अपना इलाज खुद ही करता है। यहाँ से कहानी जाती है 30 साल पीछे, यानी कि अतीत की दुनिया में, जहाँ पर ऑगस्टिन यंग होता है। वो एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट होता है। वो सबको स्पीच दे रहा होता है और बता रहा होता है कि हमने एक ऐसे प्लेनेट की खोज कर ली है जहाँ पर इंसान जाकर रह सकते हैं और आने वाले टाइम में हम वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बसाएंगे। तब उसकी काबिलियत से, उसकी स्पीच से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तभी ऑगस्टिन के पास एक लड़की आती है और जैसे ही ऑगस्टिन उस लड़की को देखता है उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है और जल्दी ये दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन ऑगस्टिन अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो अपनी पत्नी को वक्त दे नहीं पाता। वो हमेशा काम के बारे में सोचता रहता है जिससे उसकी पत्नी को तकलीफ होना शुरू हो जाती है और कुछ ही सालों में उसे यकीन हो जाता है कि ऑगस्टिन के लिए उसका काम ही सब कुछ है। इसीलिए वो ऑगस्टिन को छोड़कर चली जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें ऑगस्टिन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा बीमार और अकेला होने की वजह से अब धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन भी खो रहा है। अभी ऑगस्टिन को एक स्पेसशिप से मैसेज आता है। स्पेसशिप को ऑगस्टिन की कंपनी ने आज से 6 साल पहले एक प्लेनेट जिसका नाम इन्होंने K22 रखा था वहाँ पर रिसर्च करने के लिए भेजा था कि वहाँ पर जिंदगी है या नहीं। लेकिन अब अर्थ से सभी इंसान जा चुके हैं, इसीलिए स्पेसशिप में जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका अर्थ से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा होता और ना ही इन्हें पता है कि अर्थ में इस वक्त कैसे हालात हैं। ऑगस्टिन जिससे इनका कॉन्टैक्ट हो चुका है उसे ये भी याद नहीं आ रहा होता कि ये उसी की कंपनी का स्पेसशिप है जिसे 6 साल पहले K22 में भेजा गया था। पर जब वो अपने कंप्यूटर में डिटेल्स देखना शुरू करता है तो उसे कुछ कुछ याद आ जाता है। दरअसल 6 साल पहले जब स्पेसशिप गया था तो धरती पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन अब धरती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर जीवन खत्म हो चुका है और इसका कारण होता है कि धरती पर एक डिजास्टर आया था जिसके बाद पूरी धरती पर रेडिएशन फैल गया और इंसानों को धरती को छोड़कर जाना पड़ा। और अब ये स्पेसशिप जो 6 साल पहले धरती से निकला था अब धरती की तरफ वापस आ रहा है। ऑगस्टिन इन्हें मैसेज करके वार्न करना चाहता है, लेकिन वो 11 घंटों तक दोबारा मैसेज नहीं कर सकता। और जब ऑगस्टिन 11 घंटे बीतने का इंतजार कर रहा होता है तभी उसके किचन में आग लग जाती है। ऑगस्टिन भागता हुआ अपने किचन में जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहां पर एक छोटी बच्ची छुपी हुई है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये छोटी बच्ची यहाँ पर कहाँ से आई। वो उससे बात करने की भी कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि ये बच्ची बोल नहीं सकती। ऑगस्टिन उससे कई सवाल पूछता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, लेकिन वो बच्ची उसे लिखकर अपना नाम बताती है। ऑगस्टिन को पता चलता है कि इस लड़की का नाम आयरिश है और अब 11 घंटे बीत चुके हैं। ऑगस्टिन स्पेसशिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दरअसल वो चाहता है कि स्पेसशिप अर्थ पर वापस आ जाए ताकि स्पेसशिप इस बच्ची को ले जाए, लेकिन वो देखता है कि वो चाहकर भी उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा। वो समझ जाता है कि एंटीना में कोई ना कोई खराबी है और यही कारण होता है कि 6 साल पहले जो स्पेसशिप धरती से निकला था वो अर्थ पर कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा होता। और अब वो एंटीना को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि एंटीना इतना स्ट्रांग नहीं है कि स्पेसशिप से कांटेक्ट किया जा सके। रात को जब वो इस बारे में सोच रहा होता है तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे पता है कि सिग्नल्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि स्पेसशिप तक मैसेज भेजा जा सके, इसीलिए वो तय करता है कि वो एक दूसरे स्टेशन पर जाएगा जहाँ का एंटीना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो जगह यहाँ से काफी दूर होती है और बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फीला तूफान होता है, जिसका मतलब ये है कि इस सफर पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए वो तय करता है कि आयरिश को भी वो अपने साथ सफर पर ले जाएगा।
अभी दोनों की दोनों सफर पर चलने की तैयारी करते हैं और यहाँ से उस दूसरे स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद ये दोनों के दोनों एक जगह रेस्ट करते हैं। इन्हें नहीं पता होता कि यहाँ की बर्फ बहुत कच्ची है जो टूट जाती है और ये दोनों के दोनों पानी में डूबने लगते हैं। आयरिश डूब रही होती है, इसीलिए किसी तरह से ऑगस्टीन उसे पानी से बाहर निकालता है। हालांकि उसने आयरिश को बचा तो लिया है, लेकिन अपनी जरूरत का सारा सामान उसने खो दिया। अब ऑगस्टीन को तय करना है कि उसे अपना सामान, अपनी दवाइयां लेने वापस जाना है या उस दूसरे स्टेशन तक जहां से वो स्पेसशिप से कांटेक्ट कर सकता है। दरअसल वो चाहता है कि किसी भी तरह से स्पेसशिप यहां पर आए और इस बच्ची को बचाकर अपने साथ ले जाए। इसीलिए ऑगस्टीन आगे बढ़ने का तय करता है। अभी दोनों के दोनों लगातार आगे बढ़ते हैं। ऑगस्टीन और इस बच्ची के बीच में अब एक अच्छा खासा बॉन्ड बन चुका है। ऑगस्टीन इस बच्ची से बहुत प्यार करता है। अब जब ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि बर्फीला तूफान आ जाता है। ये तूफान इतना खतरनाक होता है कि इन्हें आगे कुछ भी दिख नहीं रहा होता, जिसके चलते ऑगस्टीन और आयरिश एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऑगस्टीन इस बात से बहुत परेशान हो जाता है, आयरिश को चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही उसे आयरिश मिल जाती है, जिससे उसे बहुत तसल्ली मिलती है। और अभी दोनों के दोनों लगातार तूफान में आगे बढ़ते हुए उस दूसरे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग एंटीना है, जिस एंटीना से ये स्पेसशिप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑगस्टीन स्पेसशिप से कॉन्टैक्ट करता और इनका कॉन्टैक्ट एक दूसरे से हो जाता है। ऑगस्टीन इन्हें बताना चाहता है कि अर्थ की हालत कैसी है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन तभी इनका कॉन्टैक्ट एक दूसरे से टूट जाता है। स्पेसशिप में एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम सली होता है, वो समझ जाती है कि इस बार इनके एंटीना में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो तय करती है कि वो बाहर जाकर एंटीना को रिपेयर करेगी। लेकिन बाहर जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े मीट्रॉइड्स उड़ रहे होते हैं। लेकिन सली फिर भी अपने कुछ साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ बाहर जाती है और एंटीना को रिपेयर कर देती है। और तभी एक मीट्रॉइड इनसे टकराता है, जिसमें इनके एक साथी की मृत्यु भी हो जाती है। सली और उसका दूसरा साथी एस्ट्रोनॉट घायल हो जाते हैं। अब ये सब के सब स्पेसशिप के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन इन्हें अपने एक साथी को खोने का बहुत ज्यादा दुख होता है। सली एक बार फिर से ऑगस्टीन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है और अब उसका कॉन्टैक्ट हो जाता है। ऑगस्टीन सली को बताता है कि तुम्हारे अर्थ से जाने के बाद पूरी की पूरी अर्थ पर रेडिएशन फैल गया, जिससे लाखों लोग मारे गए और जो लोग बचे थे वो अर्थ को छोड़कर जा चुके हैं। तुम अर्थ पर वापस मत आओ, बल्कि उसी प्लेनेट पर चले जाओ जिस प्लेनेट की खोज के लिए तुम्हें भेजा गया था, क्योंकि अगर तुम अर्थ पर आए तो तुम भी रेडिएशन से नहीं बच पाओगे। दरअसल ऑगस्टीन नहीं चाहता कि एक बच्ची को बचाने के लिए इतने सारे लोगों की जान जाए। सली उसे कहती है कि हम अर्थ के अलावा कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम रास्ता भटक चुके हैं, हमें नहीं पता कि उस प्लेनेट पर दोबारा कैसे जाना है। तभी ऑगस्टीन अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है और उन्हें उस जगह का सही रास्ता बता देता है। सली ये सारी की सारी बातें अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स को बताती है, जो सुनकर सबको बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इन्हीं में एक एस्ट्रोनॉट होता है जो कहता है कि मैं धरती पर वापस जाऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी वहां पर है। ऑगस्टीन कहता है कि जितने भी लोग यहां पर थे सब के सब मारे जा चुके हैं और जो लोग बचे थे वो धरती को छोड़कर जा चुके हैं, इसीलिए तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए। लेकिन इस एस्ट्रोनॉट को पूरा यकीन होता है कि उसका परिवार, उसकी पत्नी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, इसीलिए वो तय करता है कि वो पॉड से अर्थ की तरफ जाएगा। यहां पर इनके साथ जो एस्ट्रोनॉट थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो उसकी बॉडी को भी अपने पॉड में रख लेता है ताकि वो उसे धरती पर सही जगह पर दफना सके। और अब ये सब भी अर्थ की कंडीशन देख लेते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वही माया जो ऑगस्टीन से बात कर रही होती है, वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचा करती थी, आप ही मेरे इंस्पिरेशन है और आपकी वजह से ही मैं एक एस्ट्रोनॉट बन पाई हूँ। मेरी मॉम भी आपकी बहुत बड़ी एडमायरर थी, उनका नाम जीन था। और जब ये नाम वो सुनता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी का नाम भी जीन था। यहाँ पर सली उसे बताती है कि मेरा असली नाम आयरिश है और अब उसे यकीन हो जाता है कि और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी है। साथ ही उसे ये भी समझ में आ जाता है कि अब तक जो बच्ची उसके साथ थी, दरअसल में वो हकीकत में वहां पर मौजूद ही नहीं थी, वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। वो अपनी बेटी के रूप में उस बच्ची को देख रहा था जो कि उसके दिमाग ने बनाई थी। लेकिन सली को नहीं पता होता कि ऑगस्टीन उसके पिता है, क्योंकि उसकी मॉम ने कभी नहीं बताया था कि उसके पिता का नाम ऑगस्टीन है और ना ही ऑगस्टीन उसे बताता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने बताया तो
कहीं वो उसे लेने के लिए अर्थ पर वापस ना आ जाए। सली ऑगस्टिन से पूछती कि तुमने हमें कैसे ढूंढा, हमारे स्पेसशिप से कांटेक्ट कैसे किया। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि अर्थ पर रहने के बाद ऑगस्टिन ने ही इस प्रोग्राम को अपने आप ही एक्टिवेट किया था ताकि वो स्पेसशिप से कांटेक्ट कर सके, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसकी यादों में ये बात थी कि उसकी बेटी इस मिशन पर गई है। लेकिन वो अपना दिमागी संतुलन खोने के बाद इन सब बातों को भूल चुका था, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। वो अपनी बेटी को बचाना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि अर्थ पर आने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो अपनी बेटी से बात करना चाहता है, इसीलिए वो पूछता है कि K22 प्लेनेट कैसा है। उसकी बेटी बताती है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पर इंसान रह सकते हैं, वहाँ पर जरूरत की वो सभी चीजें हैं जो इंसानों को चाहिए। ये सुनकर ऑगस्टिन को बहुत तसल्ली होती है और वो अपनी बेटी यानी कि सली से कहता है कि अब तुम्हें उस प्लेनेट पर वापस चले जाना चाहिए। सली अपनी स्पेसशिप को उस तरफ मोड़ लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑगस्टिन आसमान के नीचे खड़ा है, उसकी आंखों में एक सेटिस्फेक्शन है। दरअसल वो दुनिया को बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए जो कुछ करना चाहता था वो उसने कर दिया है, और शायद यही कारण था कि वो अर्थ छोड़कर नहीं गया था, क्योंकि वो अपनी बेटी से कॉन्टेक्ट करके उसे बताना चाहता था कि तुम अर्थ की तरफ मत आओ। दरअसल इनके स्पेसशिप में इतना ही फ्यूल होता है कि अर्थ की ऑर्बिट में आने के बाद अगर ये अर्थ पर नीचे आ जाते तो शायद कभी भी स्पेसशिप से वापस नहीं जा पाते। और इस तरह ऑगस्टिन अपनी बेटी को और उसके साथ ही सभी एस्ट्रोनॉट्स को बचा लेता है। ये कहानी हमें प्यार और जिम्मेदारी के बारे में बताती है। ऑगस्टिन जो कि एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, हालांकि वो चाहता तो अपनी पारिवारिक जिंदगी को नॉर्मल रख सकता था, लेकिन उसे एहसास था कि आज नहीं तो कल इंसानों को इस धरती को छोड़कर जाना होगा। इसीलिए उसने अपनी जिंदगी का हर एक पल अपने काम को दिया, जिसकी वजह से परेशान होकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। लेकिन ऑगस्टिन अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए जब सबके सब अपनी जान बचाने के लिए अर्थ से चले गए, ऑगस्टिन यहीं पर रुका रहा ताकि वो अपनी बेटी को मैसेज दे सके कि अर्थ पर आने की अब कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ से जीवन खत्म हो चुका है। यहाँ का वातावरण इंसानों के लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर चारों तरफ रेडिएशन है जिससे बीमारियां फैलती है, और यही रेडिएशन की वजह से उसे भी कैंसर हुआ होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।